एशेज में लगातार मिली दूसरी हार से बौखलाए इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स की शतक ये पारी भी नहीं दिला पाई एशेज में जीत। इन खिलाड़ियों को माना हार का जिम्मेदार, दिया बड़ा बयान। ऑस्ट्रेलिया ने बेसबॉल के प्लान पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पांचवें और अंतिम दिन 43 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 155 रनों की बेशकीमती पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड को जीत नसीब ना हो सकी। लगातार मिली दूसरी हार के बाद बेन स्टोक्स ने मैच के बाद देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा, पहले भी ऐसा कुछ अनुभव करने के बाद पीछे मुड़कर देखना और एक गेम प्लान बनाना अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य से आज यह पर्याप्त नहीं था। हाँ, यह उस पॉइंट पर पहुंच गया था जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपनी योजनाएं बदल दी और मैंने अपना दृष्टिकोण बदल लिया। ठीक है, इसे सहना कठिन है, इतने करीब पहुंचना, हम 2-0 से पीछे हैं, लेकिन हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से, पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से जीत हासिल की है, इसलिए हम जानते हैं कि हम यह कर सकते हैं। बैरिस्टर के बारे में मैंने अंपायर से पूछा कि क्या आउट है, तो उन्होंने कहा, यदि जूता दूसरे पैर पर था तो मुझे खेल की भावना के बारे में सोचना होगा और वो आउट हो गया। हमें आगे बढ़ना होगा। हमने पहले गेंदबाजी करते हुए 400 रन दिए। जब आप टॉस जीतते हैं और गेंदबाजी करते हैं तो आप हमेशा उन्हें रोक कर रखना चाहते हैं। धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शुरुआती पारी में 416 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की पहली पारी 325 रनों पर सिमट गई। उसके ओपनर बेन डकेट शतक से महज 2 रन से चूक गए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 279 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड टीम अपने कप्तान बेन स्टोक्स के बेहतरीन शतक के बावजूद दूसरी पारी में 327 रनों पर ऑल आउट हो गए। 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स एक छोर पर जमे रहे। उन्होंने 214 गेंदों का सामना किया और 9 चौके और 9 छक्के लगाते हुए 155 रन बनाए। वह टीम के 7वें विकेट के तौर पर 301 रन पर पवेलियन लौट गए। उन्होंने बेन डकेट के साथ 5वें विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की। डकेट ने अपनी पारी में 9 चौके लगाए। जैसे ही मिचेल स्टार्क ने जोश टंक को बोल्ड किया, इंग्लैंड की पारी समाप्त और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 43 रनों से जीत गई। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।